देहरादून से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आरोपी पुलकित आर्य का पिता और बड़े भाई अंकित आर्य को बर्खास्त करने की खबर मिल रही है। पार्टी ने दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आरोपी के भाई अंकित आर्य की ओबीसी आयोग से भी छुट्टी। पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष था अंकित आर्य, पुलकित का बड़ा भाई। बीजेपी ने दोनों से किनारा कर लिया है। इस पूरे मामले के बाद बीजेपी का एक्शन सामने आया है। ओबीसी आयोग से छुट्टी पुलकित के बड़े भाई अंकित के, पिता और भाई दोनों पर गाज गिरी है। पार्टी ने किनारा कर लिया है पुलकित के प्रकाश में आने के बाद, जिस पर जघन्य आरोप है। इस पूरे मामले में एक्शन से जुड़ी इन तीन तस्वीरों को आप देखिए। सबूत के तौर पर निष्कासन पत्र को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां पर अंकित आर्य का नाम लिखा है और अंकित आर्य की प्रोफाइल देखिए। अंदाजा लगाइए कि ओबीसी आयोग से छुट्टी हो गई है और उसकी छुट्टी का सबूत ये निष्कासन पत्र है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने ओबीसी आयोग से छुट्टी कर दी है अंकित आर्य की, जो कि पुलकित आर्य का बड़ा भाई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद नाराज लोगों का आक्रोश जारी है। सुबह शव बरामद होने के बाद से ही लोग आक्रोशित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शव का पोस्टमार्टम ऋषिकेश एम्स में जारी है। यहां पहुंची यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट, जो आज विरोध का सामना करती दिखाई दी। नाराज लोगों ने उनकी गाड़ी में आग लगाई, तोड़फोड़ की। लोगों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन से मिली भगत करके गड़बड़ कर सकते हैं बीजेपी के नेता, और इसीलिए वो उन्हें भीतर जाने से रोक रहे हैं। इसी के तहत ये तस्वीरें आई हैं और अंदाजा लगाइए कि लोगों का गुस्सा कितना तेज था। वो जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है वहां पर अभी भी जुटे हुए हैं, लेकिन सुबह के वक्त कंडीशन कुछ और थी। जैसे ही विधायक की एंट्री होती है, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाई। तो ऋषिकेश रिजॉर्ट के पास आरोपी की फैक्ट्री में आग की भी खबर मिली है। आग लगने का कारण क्या है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि फैक्ट्री में हत्याकांड से जुड़े सबूत हो सकते थे और सबूत को मिटाने की यह साजिश है जिसके तहत यह आग लगाई गई है। यह बात भी निकल करके सामने आ रही है कि इसी फैक्ट्री के आड़ में यह रिजॉर्ट चलता था। परमिशन लेकर के फैक्ट्री की रिजॉर्ट बनाया गया, लेकिन जब रिजॉर्ट सामने आए तो फैक्ट्री में आग लग गई। बारिश का मौसम है और उसी बीच ये काला धुआं और आग की लपटें इस फैक्ट्री के भीतर से दिखाई दी, जो कि लोगों को ये कहते हुए देखा गया कि साजिश के तौर पर इस फैक्ट्री में आग लगाई गई है। आंवला के प्रोडक्ट बनाने की ये फैक्ट्री थी, जिसमें आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि साजिशन इसमें आग लगाई गई है। कई जो तथ्य है, जो सबूत है, इस फैक्ट्री के भीतर हो सकते थे। अपने बचाव में इस फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया गया, ये लोगों का आरोप है। यही नहीं, ये रिजॉर्ट जहां है, ये फैक्ट्री जहां है, वहां पर लोकल लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने विरोध दर्ज किया। खास तौर पे ये देखिए, ये आग लगने के कारण तो साफ नहीं, लेकिन आग लगने के बाद का जो मंजर है, जो तस्वीरें हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। क्योंकि आग से सब कुछ जल करके खाक हो चुका है। अब ये फैक्ट्री थी, रिजॉर्ट था, क्या था भीतर से कोई देख करके नहीं बता सकता है। तो अंकिता हत्याकांड को लेकर जहां विपक्ष बीजेपी सरकार को घेर रहा है, वहीं राज्य में जगह जगह प्रदर्शन तेज है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को छोड़ दे, क्योंकि उनसे बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही। अल्मोड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन कर अंकिता के हत्यारों को फांसी पर लटकाने की सजा देने की मांग की। वहीं भाजपा सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगते देखा गया। रुद्रपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा चौक पर उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका। मामले में निष्पक्ष कार्रवाई के साथ आरोपियों को फांसी हो, साथ ही कई जगहों पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। ये तीन तस्वीरें बानगी हैं इसी बात की, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर किस तरीके से घेराव किया गया कांग्रेस की ओर से। हल्द्वानी की तस्वीरें आपके सामने, हत्यारे के लिए फांसी की मांग करते हुए देखिए किस तरीके से पुतला दहन किया गया। जगह जगह से कमोबेश ऐसी तस्वीरें सामने आई, विरोध प्रदर्शन की। और इस मामले में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि लोग शांति बनाए रखें, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, इसी बीच डीजीपी का बयान सामने आया है।
पुलिस के हाथ में जितनी चीजें हैं वो सब कुछ की जाएंगी। बात तो सच है, लोगों में गुस्सा है। मैं यही अपील करना चाहूंगा कि कृपया करके कानून व्यवस्था की समस्या न पैदा होने दें, जिससे कि पुलिस को अभी आगे की कार्रवाई करने में मदद मिले। ये लोग गए थे और उन्होंने धक्का दिया। शुरू में वो तो ये बोल रहे थे हमने छलांग, उसने लड़के ने खुद छलांग लगा। तो वो सारे बेसिक इंटरोगेशन जो होती है पुलिस की, वो सब की गई है। किंतु आगे जो हमारी SIT बनी है, ये रिमांड लेंगे, मुलजिमों का रिमांड लेंगे और आगे का और ज़्यादा प्रयास किया जाएगा, हर कड़ी को जोड़ने का, वेदना की गहराई में जाने का, हर एंगल से गहराई। और देखिए, अंकिता हत्याकांड पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अंकिता की डेड बॉडी को ढूंढने में काफी दिन लगे, अब उस रिजॉर्ट को ध्वस्त करके सबूत छुपाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमालय की गोद में बने ये रिजॉर्ट हमारी अंकिता जैसी बच्चियों के लिए खतरा है। सरकार को ये देखने की जरूरत है कि हमारी संस्कृति के मुताबिक बने हैं या नहीं। और मौत के लिए जिस व्यक्ति को अभी प्रारंभिक रूप से जिम्मेदार मान करके पुलिस ने पकड़ा है, तो वो समस्त प्रकरण बड़ा चिंताजनक है। एटा से खबर मिल रही है, युवती के काली नदी में छलांग लगाने की खबर है। नदी में युवती के डूबने का वीडियो वायरल बताया जा रहा है। काफी देर तक नदी में डूबती दिखाई दी युवती, गोताखोरों की मदद से युवती को बचाया गया, ये भी खबर है। युवती के छलांग लगाने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें, ये वीडियो सामने आई है। बहुत देर तक ये युवती पानी में डूबती रही और उसकी तस्वीरें हैं। काली नदी में इस युवती ने छलांग लगाया, क्यों छलांग लगाया ये साफ नहीं है, लेकिन इसी बीच ये वीडियो सामने आया है। हालांकि गनीमत यह रही कि गोताखोरों ने इसे बचाया है, तय समय रहते जिस तरीके से बचा लिया गया इस युवती को, लेकिन छलांग लगाती ये तस्वीरें सामने आई। देखिए किस तरीके से साफ दिखाई दे रहा है, युवती हाथ पांव मार रही है, छलांग इसने खुद ही लगाई। जिंदगी को खत्म करने की ये कोशिश इसने क्यों की ये नहीं पता, लेकिन पानी में छलांग लगाने के बाद किस तरीके से डूबती हुई ये दिखाई दे रही है। यहां गनीमत है कि गोताखोरों ने इसे बचा लिया है। खबर सहारनपुर से, जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर गया, मलबे में दबकर 16 साल की लड़की की मौत की खबर है। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल है, लड़की के शव को मलबे से बाहर निकाला गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के शहीदगंज का मामला है। देखिए लगातार हो रही बारिश के बाद से यह भी मंजर सामने आया है। घर के भीतर का ये आप हाल देख सकते हैं, पूरा मकान भरभराकर गिरने के बाद इस मलबे से एक 16 साल की बच्ची का शव निकला है, एक महिला के घायल होने की खबर है। ये देखिए आप, पूरा घर मलबे में तब्दील दिखाई दे रहा है, मकान के गिरने की खबर है ये। लखनऊ से खबर है, तेज रफ्तार इनोवा ने पैदल चल रहे युवकों को कुचला है। ब्रेड के ठेले पर इनोवा ने टक्कर मारी और इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। टक्कर के बाद से ठेले के पर खच्चे उड़ गए हैं। लोहिया चौराहे के आगे ओवर ब्रिज के पास की यह घटना बताई जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, तेज रफ्तार इनोवा कार, ये देखिए आप, बेलगाम रफ्तार का कहर, ये तो इनोवा कार की हालत है। लेकिन इसने क्या क्या कुचल करके, रौंद करके रख दिया वो आपके सामने है। और उत्तर प्रदेश प्रशासन का बोर्ड लगी है, इनोवा कार है। ग्रेटर नोएडा में मामूली सी बात को लेकर के, विवाद को लेकर बाइक सवार के बीच जमकर मारपीट हो गई। अब मारपीट का ये वीडियो वायरल है, जिसमें दबंग युवक एक युवक को जबरदस्ती बाइक पर बिठा कर ले जाते दिख रहा है। ये देखिए, तू मैं कहा सुनी तो खूब हुई, लेकिन लाठी डंडों के साथ पहुंच गए कई दबंग। बीच में जो शख्स दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है कि पहले से पीटा गया और इसे जबरदस्ती बाइक पर बिठा करके ले जाया गया। किसी ने मोबाइल में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मामला है सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के साकीपुर गांव का।
सीधा रुख करते हैं मिर्जापुर का। तस्वीरें मिल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की। ये देखिए उनका चॉपर लैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मिर्जापुर के दौरे से जुड़ी ये तस्वीरें यहां से शुरू होती हैं। आपके सामने देख सकते हैं जहां अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर दौरे पर हैं। कार्यक्रमों की सूची तैयार है। जो अब देखिए यहां से विंध्यवासिनी कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर पहुंचना है। माँ विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा विंध्य कॉरिडोर का कामकाज कहां तक पहुंचा, बड़ी तेजी से काम चल रहा है वहां पर भी, उस पर नजर रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनका चॉपर लैंड हो चुका है, मिर्जापुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब विंध्य कॉरिडोर को लेकर के आज गहन चर्चा का दिन है। न सिर्फ माँ विंध्यवासिनी के पूजन दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री, वहां पर तमाम आला अधिकारियों की एक बैठक होगी। विंध्य कॉरिडोर का काम कहां तक पहुंचा है, कितनी चीजें बन चुकी हैं। और देखिए नवरात्र से पहले सीएम के पहुंचने की खबर है। आपको बताएं विंध्य कॉरिडोर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिस पर निगाहें हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर बराबर नजर रखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब नवरात्र से पहले ये देखना चाहते हैं कि कितनी कामकाज में तेजी आई है, कहां तक कामकाज पहुंचा है। माँ विंध्यवासिनी की अमूमन जब भी मिर्जापुर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री, पूजा पाठ की खबरें तस्वीरें जरूर आती हैं, लेकिन यहां पर मकसद नवरात्र से पहले तमाम व्यवस्थाओं को देखने का भी हो सकता है। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की बड़ी बैठक बताई जा रही है। तमाम आला अधिकारी अपनी अपनी रिपोर्ट के साथ तैयार होंगे। और चॉपर लैंड कर चुका है, हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मिर्जापुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कामकाज पर नजर है, कितना तेजी से कामकाज हो रहा है, नवरात्र से पहले क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी चीजें हैं, इस पर निगाहें जरूर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जब कभी भी विंध्याचल पहुंचते हैं, विंध्यधाम पहुंचते हैं, तो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करके ही लौटते हैं। और अब देखिए उनके स्वागत की तस्वीरें आ रही हैं। आओ और अगवानी के लिए जितने जनप्रतिनिधि हैं वो दिखाई दे रहे हैं मिर्जापुर से। और अब यहां से जितनी जानकारी है सीधे विंध्य कॉरिडोर के लिए रवाना हो सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर प्रशासनिक अमला चुस्त दुरुस्त सतर्क दिखाई दे रहा है। सीएम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी दिखाई दे रहे हैं उनके साथ। और देखिए हाँ संभवतः ये वही, और ये आगे बढ़ती हुई तस्वीरें आ रही हैं। अनुप्रिया पटेल को भी देखा जा सकता है, मंत्री हैं केंद्र में। और अब तस्वीरें आपके सामने। कॉरिडोर की ओर आने वाले गंगा द्वार का ये रास्ता है। अगर आप गंगा नदी के रास्ते से मंदिर में प्रवेश करना चाहेंगे तो यही ये वो सामने का रास्ता होगा जहां से होते हुए जो भक्त हैं वो इस परिसर में प्रवेश करेंगे। और इस दौरान मंदिर का परकोटा होगा और इसके साथ ही परिक्रमा का मार्ग होगा। तो आप देखिए यहां से आगे बढ़ते हुए ये मंदिर का मुख्य भवन, ये देखिए ये मंदिर का मुख्य परिसर। और इस परिसर में भक्त प्रवेश करके दर्शन करेगा। और जो तस्वीर देने का प्रयास किया गया है, आप देखिए ये चारों ओर जो तस्वीर देने का प्रयास किया गया है वो जो मूल तस्वीर इसकी आने वाली है उसका प्रयास किया गया है। चारों ओर आपको जो बैरिकेटिंग नुमा जो यहाँ पर व्यवस्था दिखेगी वो मंदिर के परिक्रमा मार्ग को दर्शा रही है। इसके साथ ही हर किनारे पर आपको ये पत्थर, ये जो कार्य प्रगति पर है, इस तरह के पत्थरों से ये पिलर बनेंगे। और इन पिलर्स के रास्ते जो किनारे किनारे होकर आता हुआ जो रास्ता है वो मंदिर का परिक्रमा मार्ग होगा। तो भव्य और दिव्य धाम का दिव्य स्वरूप लगातार प्रगति पर है और इस प्रगति की समीक्षा सरकार द्वारा की जा रही है। आने वाले दिनों में बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के बाद विंध्य धाम कॉरिडोर बनकर तैयार होगा जो पर्यटन के लिहाज से खास होगा, रोजगार के लिहाज से खास होगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, विंध्याचल, मिर्जापुर। नवरात्र के पहले फूलों से सज रहा माँ विंध्यवासिनी का दरबार, आप देखें ये फूल यहाँ पर माता के दरबार में साज सज्जा के लिए पहुँचे हुए हैं। और जो
साज सज्जा करने वाले यहाँ पे लोग हैं वो देखिए, इस फूलों की जो श्रृंखला है उसको तैयार करते हुए फूलों के साथ ये और भी सुंदरता प्रदान करने के लिए कुछ पत्तियों की आकृति भी बनाई गई है और पूरे मंदिर में कहीं भी कोई कमी ना रह जाए, साज सज्जा में कहीं कोई कमी ना रह जाए, लिहाजा यहाँ पर ये फूलों की सजावट के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। तो हर तरफ आपको ये फूलों की श्रृंखला और तैयारी दिखाई दे रही है। तो कितने फूल आए हैं और कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बुलंदशहर से हैं और काम कराने वाले के शर्मा जी एमिल कंपनी उनका ओनर हैं वो, उसके उन्होंने हमको यहाँ भेजा है फर्स्ट नवरात्रि के लिए और लमसम 500 कुंटल फूल है। सीतापुर में प्रिंसिपल को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सदरपुर थाना इलाके के आदर्श राम स्वरूप इंटर कॉलेज का ये मामला बताया जा रहा है। 12वीं के छात्र गुरविंदर सिंह ने प्रिंसिपल की डांट से नाराज होकर गोली मार दी। देखिए इन तस्वीरों को, छात्र प्रिंसिपल पर गोली चला रहा है। गोली लगते ही प्रिंसिपल जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ छात्र हमलावर गुरविंदर सिंह को पकड़ लेते हैं लेकिन वो खुद को छुड़ाकर भागने में कामयाब रहता है। अभी तक पुलिस आरोपी छात्र को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये देखिए आप, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को डांट लगाई, डांटा और उसने प्रिंसिपल के सीने में गोलियां दाग दी। और बड़ी बात यह है कि अभी तक ये आरोपी छात्र पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। सीतापुर से ये खबर, ये तस्वीर आपके सामने है, चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, शख्स से पिस्टल छीनने की कोशिश होती है लेकिन ये आदमी फरार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।